नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आम का सीजन चल रहा है और आज हम मज़ेदार से मैंगो श्रीखंड बनाएंगे बिल्कुल नए तरीके से। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ। चलिए शुरू करते हैं बनाना। रोज़ के रोज़ मेरे न्यू वीडियोस देखने के लिए जाइए आप यूट्यूब में, वहाँ पे लिखिए टाइप करिए कुकिंग विद शालिनी, सब्सक्राइब का बटन आपको दिखेगा, उसको क्लिक कीजिए, इस तरह से दबाइए, साथ ही बेल आइकन है घंटा दबाइए इस तरह से और ऑल को क्लिक कर दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और रोज़ के रोज़ आपको जो है मेरी नई से नई वीडियोस देखने को मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। और अगर आपने मेरे फेसबुक पेज को अब तक फॉलो नहीं किया है तो जाइए फेसबुक पे कुकिंग विद शालिनी टाइप कीजिए और इस तरह से फॉलो कीजिए और साथ में आपको मेरी जो है रेसिपी देखने को मिलेगी, रील्स देखने को मिलेंगी, लेटेस्ट वीडियोस जो है जितनी भी सब आपको जो है यहाँ पर देखने मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 500 ग्राम जो है दही लिया और इसका जो है मैंने इसको वेस्टर्न क्लॉक में बांध से टाइट और इस तरह से स्ट्रेनर के ऊपर रख दिया था, तो इस तरह से आप देख सकते हो पानी निकल गया है और हंकड़ हमारा जो है बनकर रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से हमने हंकड़ बना लेना है और इसको 15 मिनट में जो है आपका हंकड़ बनके रेडी हो जाएगा। आपको जो जस्ट ये जो वेस्टर्न क्लॉथ लेना है इसको अच्छे से टाइटली बंद करना है ताकि इसमें से पानी जो है अच्छे से निकले। ये जो दही का पानी निकला है इसको वेस्ट ना करें, इसको या तो इसी तरह से आप पी सकते हो, बहुत ही हेल्दी होता है ये, या फिर आप इसको कड़ी में यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि हंकड़ हमारा रेडी हो चुका है, तो इसको अब हम कोई भी एक प्लेट लेंगे और इसके अंदर जो है अपना हंकड़ को शिफ्ट कर देंगे। आप देख सकते हो हंकड़ हमारा रेडी हो गया, बहुत ही स्मूथ हमारा जो है ये हंकड़ बना है। और इसके अंदर अब हम डाल देंगे मलाई, हमने एक चम्मच जो है दूध में से निकली हुई मलाई डालनी है, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, बिल्कुल फ्रेश मलाई इसमें डालेंगे। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। बहुत ही स्मूथ जो है हमारा ये बैटर बनना चाहिए। तो लीजिए हमने ये डाल दिया इसके अंदर। अब हम अगली इसके अंदर डालेंगे मैंगो प्यूरी। तो मैंने ये मैंगो प्यूरी बना ली है, मैंने अल्फ्रेंसो मैंगो से जो है दो मैंगो की प्यूरी बनाई है और इसको अब हम ऐड कर देंगे। आपके पास कोई भी मैंगो आपके वहाँ अवेलेबल हो जहाँ आप रहते हैं तो वो मैंगो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंगो प्यूरी के 3 चम्मच अभी मैं डाल रही हूँ और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 चम्मच पिसी हुई चीनी। आप अपने स्वाद के अनुसार जितना मीठा चाहते हो ऐड कर सकते हो, ना भी ऐड करें तब भी चलेगा क्योंकि मैंगोज़ भी मीठे हैं और बहुत ज़्यादा हमको जो है इसको मीठा नहीं करना है। अच्छे से इसको इस तरह से मिक्स कर लेते हैं, ये देखिए अच्छे से इसको मिल जाना चाहिए। अब इसमें हम मैंगो प्यूरी और डालेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे, तो 2 चम्मच में इसमें मैंगो प्यूरी के और ऐड कर देंगे। चीनी मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच डाली है, ज़्यादा चीनी इसमें नहीं जाएगी, बाकी की भी जो प्योरी है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ध्यान रहे कि जब हम प्योरी बनाएंगे इसकी तब इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, कोई पीसेस मैंगो के नहीं रहने चाहिए, अच्छे से जो है हम इसकी प्योरी को बनाएंगे। आप इसको हाथ के साथ भी जो है मिक्स कर सकते हो, हाथ को अच्छे से वॉश कर लें पहले, तभी जो है ये अच्छे से मिक्स होगा। पूरे मैंगो को हमने अच्छे से जो है दही के साथ मिक्स कर लेना है, ये देखिए बिल्कुल स्मूथ ये होना चाहिए, क्रीमी टेक्सचर होना चाहिए इसका। ये क्रीमी टेक्सचर तभी होगा जब इसको आप अच्छे से मिक्स करोगे। और अब मैं ऐड कर दूंगी इसमें केसर। 2 चम्मच मैंने कोसे दूध में यानी कि ल्यूकवार्म दूध में मैंने 2 चम्मच दूध दिया और उसके अंदर जो है मैंने केसर डाल दिया, 10-15 जो है हमने केसर के स्ट्रिंग उसमें ऐड कर दिए, वो इसमें हम डाल देंगे। केसर बहुत ही अच्छा लगता है इसका, इसका जो फ्लेवर आएगा ना आपको मज़ा आ जाएगा। और अब जाएगा इसके अंदर थोड़ा सा पिस्ता, कोई भी आप ड्राई फ्रूट चाहते हो इसमें आप ऐड कर सकते हो, बादाम, काजू, पिस्ता, जो भी आप चाहते हो इसमें ऐड कर सकते हो। लीजिए आप देख सकते हो अच्छे से जो है हमारा ये श्रीखंड तैयार हो गया। एक बार अच्छे से इसको इस तरह से हिलाएंगे मिक्स कर, और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए, ये देखिए पतला नहीं रहना चाहिए ये, बस इस तरह से ड्रॉपिंग। अब मैंने ले लिए ये गोलगप्पे और इसके बीच में हम इस तरह से कर देंगे होल, सारे गोलगप्पों में हमने इस तरह से होल कर देना है। यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, आप एक बार इसको जरूर ट्राई करिएगा मेरे कहने पर। ये देखिए सारे हमने गोलगप्पों पे कर दिया होल, तो सारे गोलगप्पों में हमने छेद कर दिया। और अब हम क्या करेंगे कि ये श्रीखंड जो हमने बनाया है इसको हम एक बार हिलाकर और इसके अंदर भर देंगे,
यकीन मानिए आप एक बार खाओगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। मैं बहुत मेहनत के साथ जो है आपके लिए रेसिपी लेकर आती हूँ। इस तरह से इसको भर देंगे। एक लाइक का बटन तो बनता है, अगर आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए और इसको खूब शेयर करें ताकि और लोग भी जो है इसको ये रेसिपी को एंजॉय कर सकें। तो लीजिए सारे हमने श्रीखंड जो है गोलगप्पों के अंदर भर दिया। अब इसको हम गार्निश कर देंगे पिस्ते के साथ। और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना बढ़िया। क्या आपने आज तक पहले ऐसा श्रीखंड खाया है? आप इसको बनाइए, आपके घर में कोई भी गेस्ट है आप इसको पार्टीज में सर्व कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मजेदार, लाजवाब है। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई मजेदार सी रेसिपी के साथ। धन्यवाद।